बीते 15 दिन से हो रही बढ़ोतरी से पेट्रोल डीजल का दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 86 तो दिल्ली में 78 रुपए के पार हो गया है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से आम लोगों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। देखिए इस बढ़ोतरी पर आम लोगों की राय। जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, पहले 60 रुपए, फिर 62-65, अब आज 80 रुपए तक पेट्रोल पहुंच गया है, तो एक आम जनता के लिए बहुत ही परेशानी वाली बात है। इसमें जो बहुत बड़े लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको शायद इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता होगा, बट जो आम जनता है वो बहुत परेशान है। आजकल इतना ज्यादा फास्ट लाइफ हो गया है, हर जगह आपको जाने के लिए या तो ऑटो या तो आपको गाड़ी लीजिए, तो ऑटो से ज्यादा एक्सपेंसिव हमको लगता है अभी आपका, और ये ऑयल अपना गाड़ी ज्यादा महंगा पड़ रहा है लोगों को। बहुत मुश्किल है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ते जा रहा है, किसान पर काफी दबाव पड़ रहा है। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए और दूसरी सरकार बहाल करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे।